अब है टॉपिक नंबर जी, नेशनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। नेशनल सिक्योरिटी के कौन कौन से जो डायनेमिक्स हैं और इन डायनेमिक्स में कौन से चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़े। सबसे पहला जो है वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म है। टेररिज्म जो है वो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए जो है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट इसकी वजह से हुआ। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है वो फैला और इंस्टेबिलिटी जो है कंट्री में मतलब ओवरऑल फैल गई, जिसमें इंटरनल पीस भी जो है वो बहुत बुरी तरह से थ्रेटन हुआ। और अभी तक जो है वो टेररिज्म के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान जो है फेस कर रहा है। सेकंड नंबर पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में जो पाकिस्तान को फेस करने पड़े हैं, सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें सेपरेटिस्ट ग्रुप्स बन गए हैं और बहुत ज़्यादा जो कंट्री की जो ऑटोनमी है उन्होंने जो है वो सीख की हुई है, उन्होंने कब्ज़ा किया। और इसके अलावा जो है इसकी इंडिपेंडेंस पे जी और ओवरऑल जो है डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। इसके बाद जो है इंडिया पाकिस्तान की रिवाइलवरी। इंडिया पाकिस्तान की रिवाइलवरी में सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट या सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है इन दोनों में जो है वो कश्मीर का जो रीजन है उस पे है। और इसके अलावा जो है वो 1965 की वॉर और दूसरी जो छोटी मोटी वॉर्स थी जो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हुई, ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और मुख्तलिफ डायमेंशंस में डायनेमिक्स जो हैं इसके पाकिस्तान को जो है वो फेस करने पड़े। फिर आता है अफगान कॉन्फ्लिक्ट। 9/11 के वाक़े के बाद जो है वो अफगान का कॉन्फ्लिक्ट की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी हैं, जिसमें से जो है वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का जो है कंट्री का टोटली जो पाकिस्तान का पीस था वो अफेक्ट हुआ है। और अभी तक भी जो जिसमें से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जो मूवमेंट्स रेफ्यूजीज़ की है उनके भी जो है वो पाकिस्तान को ये चीज़ें भी जो है चैलेंज में आती हैं, तो जो फेस करनी पड़ी है। फिर है नेशनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। इसमें से जो है लास्ट चैलेंज जो है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का है। तो जिस तरह से न्यूक्लियर जो है वो एज ए प्राइड का भी सोर्स है, लेकिन उसके दूसरे साइड जिस तरह से कहते हैं एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। तो इसमें जो है वो पाकिस्तान को कुछ कंसर्न्स भी जो हैं वो भी फेस करने पड़े न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की वजह से, न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, जिसमें से उस पर सैंक्शंस और दूसरी चीज़ें जो है वो इम्पोज की गई। फिर आता है टॉपिक नंबर एच जो है पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड नेशंस। इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशंस हैं और क्या जो है वो इन दोनों ने एक दूसरे के लिए रोल प्ले किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के लिए, वो देखते हैं। पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज़्यादा अरसे से ही जब से पाकिस्तान बना है तब से यूनाइटेड नेशंस के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा जो है अच्छे हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने भी जिस तरह से पीस कीपिंग हो गई, ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो मुख्तलिफ डायमेंशन में यूनाइटेड नेशंस जो है वो काम करता है, तो वो पाकिस्तान के लिए भी उसने बहुत ज़्यादा जो है उसका साथ दिया है। जिसमें से अगर फर्स्टली मेंबरशिप देखें कि कब पाकिस्तान जो है वो इसका मेंबर बना, जैसे ही पाकिस्तान जो है वो मतलब कि पाकिस्तान बना उसी सितंबर 30, 1947 में पाकिस्तान ने जो है वो यूएन को ज्वाइन किया। और इसके अलावा जो है ब्रिटिश रूल में से जैसे ही वो इंडिपेंडेंस में आया तो उसने ज्वाइन कर लिया। तो द मेंबरशिप मार्क द बिगनिंग ऑफ पाकिस्तान एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल अफेयर्स। तो पाकिस्तान ने जो है शुरू में ही जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखा दी। इसके बाद आता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस। पीस कीपिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दी, जिसमें से पाकिस्तान ने जो है बहुत ज़्यादा जिसमें वेरियस मिशन जिसमें से कॉन्गो, लिब्रिया, सोमालिया, सीरिया लियोन और बहुत ज़्यादा रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कहा जाए साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में पीस कायम करने के लिए पाकिस्तान ने जो है वो प्रोफेशनलिज्म और इफ़ेक्टिव मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी के लिए यूएन का जो है वो साथ दिया।
फिर आता है की रोल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। की रोल्स में से जो सबसे पहला रोल है सिक्योरिटी काउंसिल का, पाकिस्तान हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेवरल टाइम्स, बहुत सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम्स में इसको नॉन परमानेंट मेंबर का मतलब कि किया गया है, लेकिन विद इट्स मोस्ट रिसेंट टर्म बीइंग फ्रॉम 2012 टू 2013, ड्यूरिंग इट्स टर्म्स पाकिस्तान हैज़ फोकस ऑन इश्यूज सच एज काउंटर टेररिज्म, डिसआर्ममेंट एंड रिजोल्यूशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो पाकिस्तान ने जो है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की है और उस पर फोकस करने की कोशिश की है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसको जो है वो जगह देने की कोशिश है यूएन की, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान इफेक्टिव सॉरी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन वेरियस यूएन बॉडीज डेडिकेटेड टू ह्यूमन राइट्स एंड सोशल डेवलपमेंट सच एज ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड कमीशन ऑफ ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट एडवोकेट्स फॉर इश्यूज लाइक वुमेन राइट्स, पॉवर्टी एलिविएशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएन की कुछ जो हैं कंडीशंस दी जाती हैं या कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी कोई भी कंट्री हो उसको अपना जो है किन चीज़ों पर जो है वो फोकस करना होता है और अपनी कंट्री को जो है वो डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें मतलब कि कुछ जो टारगेट्स या टास्क हैं वो दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान को भी जो जो टास्क दिए गए हैं वो उन पर फोकस भी कर रहा है और स्लोली ग्रेजुअली उनको जो है वो अचीव भी करने की कोशिश कर रहा है। फिर आता है यूएन इनिशिएटिव्स एंड कन्वेंशंस। यूएन के कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें से कुछ कन्वेंशंस और कुछ मतलब ट्रीटीज़ जो हैं वो यूएन साइन करवाता है कंट्रीज़ से, जिसमें से जो सबसे पहला जो है वो क्लाइमेट चेंज है जो पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। फिर है रेफ्यूजीज 1951 के रेफ्यूजीज कन्वेंशन जो हुई, और इसके बाद है चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, और द कंट्री ऑल्सो प्लेज अ रोल इन ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स पार्टिसिपेटिंग इन एफर्ट्स लेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसको हम कहते हैं, और द यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड जो है इसके कुछ इनिशिएटिव जो हैं वो भी लेता है। फिर आते हैं रीजनल एंड ग्लोबल डिप्लोमेसीज। इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो है वो कौन कौन से यूएन के साथ मिलकर जो है वो अपना वर्ल्ड में क्या किरदार अदा किया। सबसे पहले कश्मीर इशू पे जो है वो पाकिस्तान हमेशा से बात करता आ रहा है। सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंगेजमेंट विद द यूएन, जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीर के डिस्प्यूट पे बहुत बार बात की है, और रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं इमरान खान, उन्होंने भी जो है वो यूएन के फोरम पर ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा रेस किया। एडवोकेट फॉर ऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी जो है उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश की। दैट कॉल फॉर अ प्लेबिसाइट टू डिटरमाइन द विल ऑफ द कश्मीरी पीपल, ये एक प्लेबिसाइट भी उन्होंने करने की जो है वो अपनी एफर्ट्स वहाँ पे एज अ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके दिलवाई। फिर है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, जिसमें पाकिस्तान ने अपना रोल यूएन के साथ जो है वो प्ले किया। पाकिस्तान कोलैबोरेट्स विद द यूएन इन एड्रेसिंग ग्लोबल टेररिज्म, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेरियस यूएन इनिशिएटिव्स एम्ड एट कम्बैटिंग टेररिज्म, फाइनेंसिंग एंड इनहेंसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म मेजर्स। तो पाकिस्तान ने भी जो है वो अपनी फोर्सेस भेजी और टेररिज्म को जो है वो काउंटर करने की कोशिश की, और बहुत हद तक अब टेररिज्म जो है वो काउंटर हो चुका है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो यूएन हर कंट्री को देता है कि वो अपनी डेवलपमेंट में काम करें। पाकिस्तान इज़ कमिटेड टू द यूएन्स 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द कंट्रीज इज़ वर्किंग टूवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट, जिसमें जो है एजुकेशन जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की, जिसमें उसने पाकिस्तान को एजुकेशन हेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लाइमेट एक्शन पे जो है वो कुछ दिए हैं टास्क की वो अपने कंप्लीट करें। फिर आता है चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं। ह्यूमन राइट कंसर्न में जो है यूएन ने
अगर इस पे क्रिटिसिज्म किया जाए तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को फेस करता आ रहा है, और इसमें से जो है उसके कुछ बॉर्डर इश्यूज़ भी हैं, जिसमें से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ और वुमेन्स राइट्स, जो कुछ कुछ कबायली, कुछ ट्रेडिशनली और कुछ ऐसी जो हैं वुमेन्स के साथ, कुछ जो है एजुकेशन उनको नहीं दी जाती, बहुत ज़्यादा मतलब रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ राइट्स हैं जिसमें इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो है वो यूएन बॉडीज़ भी बोलती हैं कि इन राइट्स को जो है आप इम्प्रूव करें, अपना ह्यूमन राइट रिकॉर्ड जो है वो इम्प्रूव करें। फिर है डेवलपमेंट में गवर्नेंस के कुछ इश्यूज, जिसमें से पॉवर्टी, करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस के कुछ इनएडिकेट हैम्पर्स जो हैं वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस को प्रॉब्लम मतलब कि प्रॉब्लम में डालती हैं और प्रोग्रेस को लो करती हैं। तो ये कुछ एसडीजीज रूल्स जो पाकिस्तान को दिए गए हैं, तो वो इस पर फोकस कर भी रहा है, और उसका गोल भी है कि 2030 तक वो अपना जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व कर लेगा। एट द एंड कंक्लूजन, पाकिस्तान का जो यूएन के साथ रिलेशनशिप है इस कैरेक्टराइज बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, स्पेशली इन पीस मेकिंग सॉरी कीपिंग एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी। While the country faces internal challenges, its role in the UN continues to be influential in shaping international policies and contributing to global peace and development initiatives. तो ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो यूएन के साथ पार्टिसिपेशन में एक तो एक्टिव है, और जो जो उसको पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है तो वो उस पर भी अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है, और वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल पीस और डेवलपमेंट की इनिशिएटिव्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दीज टॉपिक्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जो आपका जो भी टॉपिक्स रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।